अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज बता दें आपको, सऊदी की जो साइट थी इंजाज गेट वीज़ा चेक करने की, वो अब बदल चुकी है। जैसे कि पहले हम लोग इंजाज गेट से वीज़ा स्टैंपिंग या मोफा चेक करते थे अप्लीकेशन नंबर से या पासपोर्ट नंबर से, तो अभी वो चेंज हो गया है 4 अप्रैल से, जो कि नया अपडेट आ चुका है। तो कैसे चेक करना है, काफ़ी लोग परेशान हैं, और चेक करने के लिए वीज़ा स्टैम्प हुआ या नहीं, या वकाला हुआ कि नहीं, या वीज़ा पे अभी मोफा अपडेट हुआ कि नहीं, तो जैसा भी है वो अभी किस कैसे चेक कर सकते हैं, जो कि जो भी नया तरीका है वो अभी आपको हम दिखाते हैं। चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, गूगल ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है। सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं। जैसा कि अभी गूगल ओपन कर लिया है और अभी लिखना है visa.mofa.gov.sa। ये सब लिखने के बाद इसको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही जो है ये साइट ओपन हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरह का जो है आपको पेज देखने को मिलेगा, जो कि अभी मतलब चेंज हो गया है और काफ़ी नए लुक में आ गया है। तो जैसे कि ये सर्विस फॉर विजिटर, जो विजिटर हैं ये उनके लिए है, और सर्विस फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट, जो सऊदी नागरिक हैं उनके लिए भी है इसमें, और रेसिडेंट यानी जो वहाँ पर वर्कर रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी है, और बिजनेस एंड एंटिटीज, जो मतलब बिजनेस से कंपनी या बिजनेस जो बड़ी बड़ी मतलब वो सऊदी सिटीजन के लिए मतलब ये साइड है। तो अभी हमको जहाँ चेक करना है वो ये बीच वाला ऑप्शन है, सिटीजन एंड रेसिडेंस, इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद कुछ ये इस तरह पेज ओपन होगा, है पहले जैसा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदला हुआ है। जैसे कि ये पहले लिखा हुआ है फैमिली विजिट वीज़ा अप्लीकेशन फॉर सिटीजन, और पर्सनल वीज़ा अप्लीकेशन, री एंट्री वीज़ा एक्सटेंशन अप्लीकेशन, और ये वीज़ा डिलीजेशन, वर्क वीज़ा डिलीजेशन मुस्नेट, और बाकी ये नीचे रेटिफाई इंडिविजुअल्स अप्लीकेशन, काफ़ी इसमें हैं ऑप्शन। तो अभी जो हमको चेक करना है ये वीज़ा डिलीजेशन, जैसे कि हम लोग पहले चेक करते थे इंजाडिट में, वही दूसरा ऑप्शन है, बस थोड़ा यहाँ पर बदला हुआ है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं, वीज़ा डिलीजेशन को आप देख सकते हैं कि जो है ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर कुछ ये फीस का ऑप्शन दिखाता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप यहाँ पर नीचे एग्री कर लें। एग्री करने के बाद यहाँ पर वीज़ा इशू नंबर, यानी आपका वीज़ा जो आपका वीज़ा नंबर, जैसे कि जो आपके जो आपने वीज़ा लिया है, जो वो वीज़ा नंबर है, जैसे या वीज़ा आपका स्टैम्प हो गया तो उस पर वीज़ा नंबर लिखा होता है, या आपके कफील ने वीज़ा स्टैम्प होने से पहले नंबर दिया है, या आपके एजेंट ने नंबर दिया है वो वीज़ा नंबर, और जिस जगह आपका पासपोर्ट वीज़ा स्टैम्प होने के लिए गया है, वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी, वो यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद स्पॉन्सर आईडी, यानी कफील की आईडी जो वीज़ा स्टैम्पिंग पर लिखी होती है, या वीज़ा कफील जब देता है ऑनलाइन निकाल कर, तब उस पर भी लिखा होता है स्पॉन्सर आईडी किस आईडी से है और वीज़ा नंबर क्या है, वो सब उसमें लिखा होता है। अगर आपके पास वो सब है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे MS कोड, और अगर आपका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, बाकी आपको सब जानकारी चेक करना है, तो आपको ये जो है इसमें सबसे पहले डालना होगा वीज़ा नंबर। अभी हम चलते हैं, वीज़ा नंबर डालते हैं इसमें, जैसे कि ये वीज़ा नंबर हो गया, ये वीज़ा नंबर हो गया। आपको बाकी बता देंगे वीज़ा नंबर कहाँ पे लिखा होता है स्टैम्पिंग पे। ये आपके पास अगर वीज़ा नंबर पहले से आया है तो आप चेक कर सकते हैं वकाला आपका हुआ कि नहीं, और वीज़ा आपका स्टैम्प हुआ कि नहीं, इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर आपको डालना है जहाँ पर आपका पासपोर्ट स्टैम्पिंग ले गया है, जैसे कि ये मुंबई में गया है तो अभी मुंबई डाल दिया इसमें, और स्पॉन्सर आईडी, जो भी आपकी स्पॉन्सर आईडी हो, जैसे कि जो वीज़ा भी हम चेक कर रहे हैं उसकी स्पॉन्सर आईडी ये है। ये डालने के बाद नीचे MS कोड डालना है, ये सब डालने के बाद वीज़ा नंबर, वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी, स्पॉन्सर आईडी और MS कोड डालने के बाद नीचे आपको आकर के सर्च कर लेना है। सर्च होते ही आपका ये पेज ओपन हो जाएगा,
जो कि आपका दिखा रहा है वीज़ा नंबर, वीज़ा डेट, उसके बाद फुल नेम, जो आपके कफील का नाम होगा या कंपनी का नेम होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद स्पॉन्सर एड्रेस, जैसे कि ये रियाद का एड्रेस है, ये कफील जहाँ का ये वीज़ा है रियाद का रहने वाला है, तो इसमें एड्रेस भी कफील का दिखाता है। और आईडी नंबर, जो स्पॉन्सर आईडी या कफील का आईडी नंबर था वो भी इसमें दिखा रहा है। बाकी मोबाइल नंबर भी दिखाता है किसी किसी में, इसमें से मोबाइल नंबर दिखा रहा। और ये डेलीगेट फॉर ऑल जॉब इन एम्बेसी जॉब लिस्ट, यानी पर्सन काउंट एक है, और उसके बाद नेशनलिटी इंडिया, वीज़ा सर्विंग अथॉरिटी मुंबई, जैसे कि ये वकाला जो भी है आपको दिखा दें किस ऑफिस का हुआ था, जैसे कि ये AAL नेडा ट्रेवल्स का यह वकाला हुआ था मुंबई का। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं आपका वीज़ा अभी स्टाम्प हुआ या नहीं। अगर आपके पास वीज़ा नंबर है तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं वीज़ा नंबर और स्पॉन्सर आईडी से। और अगर आपका वीज़ा चेक हो गया है, उसके बाद आपको चेक करना है आपने अगर वीज़ा एजेंट से लिया कहाँ का है, तो आप एड्रेस भी जान सकते हैं कि वीज़ा इस जगह का है, और एजेंट आपको बताते हैं कहीं वीज़ा कहीं और का है, तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मिल जाता है इसमें कभी कभी, तो आप देख सकते हैं आपकी वकाला कहाँ का हुआ है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर अगली एक न्यूज़ जानकारी में।